मीनू चौहान, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनबीसी न्यूज 24 में। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पर्यटन में अवसर एवं संभावनाएं विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी के काल में पर्यटन सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। इस बीच पर्यटन से जुड़े कार्यों को सुचारू रूप से चलाना एवं पर्यटन को बढ़ावा देना एक चुनौती है, जिसका हम सबको एकजुट होकर सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष बजट में 500 करोड़ रुपए के पर्यटन कोष का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पर्यटन नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही यहां आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो तथा उनको सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो, इसके प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य के विकास में एक प्रमुख स्थान रखता है। इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और देश विदेश में राज्य की छवि उजागर होती है। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं हैं एवं इस दिशा में विभाग निकट भविष्य में फिल्म शूटिंग प्रोत्साहन नीति को शीघ्र जारी करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में संस्कृति का वास है और इसको संरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आयोजित होने वाले मेले एवं उत्सवों में स्थानीय लोक कलाकारों को सम्मिलित किया जाए, जिससे कलाकारों एवं लोक कला को प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज 24।